श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सभी छात्र हड़ताल पर चले गए हैं। छात्र की मांग है कि उन्हें मिलने वाला विद्या वेतन दिया जाए। बीते 3 महीनों से छात्रों को विद्या वेतन नहीं मिला है। इस सिलसिले में हमारी टीम जब छात्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने संचालक से लेकर मुख्य अध्यापक से बात की, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में हमने महाविद्यालय के प्राचार्य MB येवले से बात की तो उन्होंने बताया कि इस विषय का पत्र शासन को भेजा गया है, मगर अभी तक इस सिलसिले में शासन से कोई जवाब नहीं आया है। इसी कारण छात्रों को विद्या वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हम श्री आयुर्वेद कॉलेज के इंटर्न्स है, यहाँ पर इसलिए जमे हुए हैं। मतलब ये आंदोलन ऐसा है कि हमारी मतलब मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमने डायरेक्टर सर से भी बात की, पर डायरेक्टर सर ने पूरा प्रशासन पे ढकल दिया और प्रशासन बोलता है कि डायरेक्टर की जो मतलब गलती है, तो इसका मतलब हम पर क्या बीत रही होगी। 3 महीने से हमारा स्टाइपेंड नहीं है, महाराष्ट्र में पूरे कॉलेज में स्टाइपेंड हो गया है। आम्ही श्री आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थी आहेत। आम्ही 3 महिन्यापासून इथं मतलब दिवस रात्र आम्ही काम करतो आहेत, पण आम्हाला तरी पण स्टाइपेंड भेटलेला नाही, जे काही आमचा हक्काचा आहे। आणि आम्ही जे काही आमचे सर्वस्व आहेत प्रिन्सिपल सरांकडे आम्ही गेलो तरी त्यांचं काही म्हणणं नाही आहे, त्यांच्याकडून आम्हाला काही रिप्लाय नाही आहे। ते म्हणतात की प्रशासनाची गलती आहे, प्रशासनवाले म्हणतात आमच्याकडे प्रूफ आहे की प्रशासनवाले म्हणतात की प्रिन्सिपल सरांची गलती आहे। याच्यामध्ये पण आम्ही पिसल्या जातो आहे, आम्हाला कोणतंही सोल्यूशन भेटत नाही। आमचा जो हक्क आहे स्टाइपंडचा तो आम्हाला भेटत नाही आहे। ट्रीटमेंट सबका प्रॉपरली हो रहा है, बस हमारी एक ही डिमांड है कि जब तक हमें प्रिंसिपल सर या हमारे डीन हैं हमें लिखित में या एक लेटर लिखकर नहीं देते हैं कि हम लोगों को ये टाइम तक हमारा स्टाइपेंड मिल जाएगा, तब तक हम यहाँ से स्ट्राइक से नहीं हटेंगे। हम लोग पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं दे रहे, हम लोग बस तब तक यही कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि हमको प्रॉपरली पता नहीं चलेगा कि हमको इस तारीख तक या इस महीने में हमको हमारा स्टाइपेंड मिलेगा, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे स्ट्राइक से। आमच्याकडे इंटरनेटची एकूण सध्या म्हणजे 70, जेव्हा महाविद्यालयाची क्षमता प्रवेश क्षमता ही 70 होती त्यावेळेस 110 विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतनासाठी म्हणजे प्रस्ताव सँक्शन होता। त्यानंतर 11 जुलै 2022 रोजी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी इंटरनेटचे शासन मान्यता म्हणजे एकूण संख्या आम्ही पाठवलेली आहे 209। 3 महिन्यापासून आम्हाला आयुर्वेद संचालक किंवा सहाय्यक संचालकाकडून अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना 3 महिन्यापासून विद्यावेतन मिळालेलं नाही। या संदर्भात शासनाकडे सहाय्यक संचालक आयुर्वेद संचालक यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे आणि लवकरच मला वाटते मंजुरी याची मिळेल, आणि मंजुरी मिळाली तर आम्ही विद्यार्थ्यांना म्हणजे स्टाइपंड देऊ शकेल। कॅमेरा पर्सन सुभाष भूटले के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर।